तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं, हम तो करते ही। सुपाल जी क्या आप नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, तो कुछ तो समझाया करो। हम मिलके सभी देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये अच्छे दिन आने वाले हैं। स्वागत है आपका धरती पुत्र। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अच्छे दिन आने वाले हैं, गौरव ने कहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए नीति आयोग की तरफ से भी जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अच्छे दिन आ गए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं और गरीब जो है वो बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले। सर मैं तो आऊंगा ही, आपको बुलाया भी हूं। पहले एक लाइन कह देंगे। अच्छा कह दीजिए भाई, पूरा गाना गाना चाहिए। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी अब जाने वाले हैं। ये है इंडिया नहीं आने वाला, कितने सपने ले लो, मुंगरी लाल के सपने सपने बन के रहेंगे। ये देखिए, अभी तो ठीक से मैंने बताया भी नहीं कि टॉपिक क्या है, किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उधर से नेताजी भी तैयार हैं और बाकी हमारे जो दर्शक हैं वो भी तैयार हैं। लेकिन यूपी में योगी और देश में क्या मोदी पसंद है? और योगी जी की हंसी निकली और सपा उत्तर प्रदेश में क्या फंस गई? क्योंकि उन्होंने मुस्कुराकर चाचा भतीजे पर जो कहा उसके बाद हमने देखा कि अखिलेश यादव जी जहां भी जाते हैं उस पर वो सफाई देते हुए नजर आते हैं। कभी वो कहते हैं कि योगी जी क्या समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे हैं, और नहीं कर पाएंगे तो वो घर को क्यों तोड़ रहे हैं? घर को योगी जी तोड़ रहे हैं या घर पहले से बिखरा हुआ है उसको अखिलेश जी नहीं जोड़ पा रहे हैं? आज इसी पर बात करेंगे, जोरदार ताली बजा दीजिए। गॉड ब्लेस की जनता, देखिए खचाखच धरती पुत्र के सेट पर हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? क्या नाम है? सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले? फरीदाबाद। फरीदाबाद के रहने वाले हैं, सब ठीक चल रहा है फरीदाबाद में? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और देश में क्या मोदी जी और यूपी में योगी जी जो हैं वो चल रहे हैं? बिल्कुल पसंद है जी, बिल्कुल पसंद है भाई साहब। रजनीकांत जी भी आए, रजनीकांत जी आए तो उन्होंने भी योगी जी का पैर छू लिया। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह ये खबर चली, लोगों ने उसको देखा तो ये भी कहा जाने लगा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक योगी जी का डंका बजने लग गया है। पहले तो सिर्फ मोदी जी का डंका बज रहा था, अब योगी जी का भी डंका क्या बजने लगा है। जरा मैं आप लोगों के पास आऊंगा, आप लोग हाथ उठाइएगा जिसको बोलना हो, है ना, तो मैं आ जाऊंगा जल्दी से आपके पास। पहले हाथ उठा लिया, हाँ जी, क्या नाम है? आनंद राजपूत। क्या कहना है? योगी जी आएंगे, योगी जी साथ है तो मोदी भी आएंगे और योगी भी आएंगे। योगी जी भी आएंगे और मोदी जी भी? बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी जी? बिल्कुल। या प्लान बदल रहे हैं आप लोगों का? कोई प्लान नहीं बदल रहा है, प्लान ही नहीं तो बदलेगा क्या प्लान जी? मोदी जी आएंगे दोबारा, मोदी जी आएंगे दोबारा, तीसरी बार आ जाएंगे। तो दोबारा आपने गलती से कह दिया। सर अभी अच्छे दिन का गाना गा रहे थे, आपको बता दे पहले जो है सर जनता आंदोलन करता था, ठीक है, आज के डेट में नेता आंदोलन कर रहा है, इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या चाहिए? अब नेता ही आंदोलन करने लगे। हाँ जी, इंडिया पे कहना है। इंडिया पर कहना है जो इंडिया दिया है ना। कह दीजिए आज सब कहिए। नहीं कहना है, अब थोड़ा दुख ऐसा होगा जब ये हार जाएगा इंडिया तो हमें बोलते हुए बड़ा दुख लगेगा कि ये इंडिया हार गया। हाँ तो बोलिएगा कि डॉट वाला इंडिया हार गया। डॉट वाला इंडिया बोल दीजिएगा, अगर हार जाएगा तो कहेंगे तो आपको दुख नहीं होगा क्या जी? हाँ, ना कभी इंडिया हारा हुआ है ना कभी इंडिया हारेगा। एनडीए हारेगा। मैं बोलूं, नाम इंडिया रख लेने थे, इंडिया नहीं होता, अब कोई राम नाम रख लेगा तो राम जी हो जाएंगे क्या? इसलिए इंडिया कभी नहीं है, इंडिया नाम रख लेते इंडिया कोई नहीं होता। और पाकिस्तान अपना नाम इंडिया रख ले तो क्या इंडिया हो जाएगा क्या? हाँ, कि मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना चाहती है बाहरी ताकतें कि दोबारा ये देश ऊपर ना जाए, ठीक है, आपको अवेयर रहना है और ध्यान रखना है
कि बाहर की कंट्रियां सड़ रही हैं कि ये तिरंगे की शान जितनी ऊपर जा रही है ना, लोग सड़े हुए हैं। ये देश बहुत ऊपर जा रहा है और बहुत तरक्की कर रहा है। जो लोग कहते हैं ना काम नहीं है काम नहीं, वो वेलों के लिए कभी काम हो भी नहीं सकता। भुखमरी के हमारे घर में बच्चे मर जाए और बाहर जाके उसके पिता बोले कि हम बहुत शेर हैं, ऐसे कभी होगा? कभी नहीं होगा। हमें घर भी देखना है ना, कितना परसेंट रोजगार मिल रहा है ये देखिए ना। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे हम बिहार से हुए 15 दिन से मैं बिहार से हूँ। सुनो, मैं बता रहा हूँ, तुम भी बिहार से, तुम भी बिहार से, तो बिहार में इतना मामला खराब हो गया कि घर देखना पड़ रहा है। मैं बता रहा हूँ, इकारे रोजगार नहीं है। रोजगार कब नहीं है? जब आपके पास स्किल नहीं होगा। क्या चीज है स्किल? स्किल समझते हो ना आप? बिहार तो हो, अभी बदनाम करो बिहार, आपके कई लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सामने एग्जाम्पल है, इन्होंने स्किल की बात किया। यहाँ पे आप जो काउंट करो, लगभग 20% ऐसे स्किल हैं, स्किल वाले हैं जिनके पास जॉब नहीं है, चाहिए भी है। ये भाई साहब, ये सब जो है अनस्किल्ड, जो स्किल्ड लोग हैं वो भी खाली है। हाँ हाँ, देखिए जी, 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, करण अर्जुन आएंगे, राहुल गांधी भाई प्रधानमंत्री बनेंगे, करण अर्जुन आएंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इधर से एक हाथ और उठ गया। हाँ जी, बीजेपी सिर्फ मार्केटिंग कर रही है सर, और अपनी TRP के लिए काम कर रही है, बाकी ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा है, TRP सिर्फ बीजेपी को मिल रही है। हाँ जी, हम तो बिहार से आते हैं, बिहार का हालत तो पता ही है। जब से इसका महागठबंधन की सरकार बिहार में बना है, जंगल राज पार्ट 2 आ गया। हर एक दिन कभी मीडिया का मर्डर, कभी विधायक के घर पे गोलीबारी, कभी बेरोजगारी के ऊपर, कभी हॉस्पिटल के। अभी यही विपक्ष के कुछ बंदा कह रहा था कि मोदी जी ने बोला कि दरभंगा में एम्स बन चुका है, लेकिन एम्स नहीं बना, इसका कोई पता नहीं है। नीतीश कुमार एम्स बनाने के जमीन ही नहीं उनको अवेलेबल करा के, जमीने नहीं दे रहे हैं, तो बिहार में दरभंगा में एम्स कैसे बनिए? का जी है, क्या क्या नाम है, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। देखिए भाई साहब, कौन कह रहा था कि सब यहाँ पर स्किल्ड लोग बेरोजगार खड़े हैं? देखो भाई साहब, स्किल्ड भी और जॉब भी करता है। नहीं, अगर ये सोचते हैं ग्रुप में आकर हम मोदी को हराते हैं, हराते तो जिंदगी में मोदी को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि शेर अकेला आता है। ये देखो भाई, ये भी शेर है, लेकिन जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ। ऋषभ तिवारी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सूर्य मैथिल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, मनीष कुमार गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, और हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, राहुल लाल जी हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, और राघवेंद्र दुबे जी हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। कह रहे हैं कि सिर्फ यूपी नहीं दक्षिण तक योगी जी का डंका बज रहा है। हाँ, डंका तो ऐसा बज रहा है, अभी एक विदेशी जो डॉक्टर की बात हुई थी ना, ट्वीट जो कर दिया था पूरी पार्टी ने, जो फजीयत हुई वो यहीं का एक यादव था जिसने बेचारे ने ट्वीट डाल दिया, उन्होंने पूरी पार्टी नहीं कर दिया। पता नहीं किस तरीके के बिना पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें ये नहीं पता कि किसको ट्वीट करना। डंका तो ये कभी भी बजा देते। अरे डंका तब बजेगा जब लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को। डंका तब बजेगा जब यहाँ पर सामाजिक सद्भाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश में। रजनीकांत जी आकर पैर छू रहे दक्षिण से, सुपरस्टार रजनीकांत भाई साहब, समझ रहे हैं? वहां पर उनको मंदिर बनाकर उनकी पूजा की जाती है, और जिनकी पूजा की जाती है वो आकर पैर पकड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, तो बुरा लग रहा है आप लोगों को। यही तो देख लीजिए, एक अगर कोई साधु वेश में अगर वो आए हैं, उनके पैर छू लेकर पैर पकड़ रहे हैं। अरे वो अखिलेश यादव से भी मिले, सुन लीजिए, अखिलेश यादव से भी मिले, और अखिलेश यादव को कहा उन्होंने, वो हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा अखिलेश यादव हमारे मित्र हैं। मैं तो ये कहूंगा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं, ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी आपने देखा जो रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने क्या किया, जो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की सड़क थी उसको 251 किलोमीटर में बनाया, और इसके बाद मंदिर में जी दूसरी बार भी आऊंगा। देखिए झा साहब, ये मेरा भाई जवाब नहीं दे पाया, आपने कहा रजनीकांत, आप लोग एक चीज बताइए, ऐसे भाई क्यों बना रहे हैं, ऐसा गठबंधन क्यों बना रहे हैं, तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसका बड़ा भाई जवाब देगा ना, जब छोटा भी, तो आपने मान लिया है कि बड़े भाई हैं आप, छोटे बड़े भाई हैं, हम सारा भाईचारा रखते हैं, हम भाई मानते हैं। प्रधानमंत्री बनने का जब नंबर आएगा तो पहले खड़े हो जाएंगे कि बड़ा भाई। देखिए पपुआ ने भी पैर छुए थे, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वो इसलिए पैर छुड़े योगी जी, माफ कर दो उत्तर प्रदेश को यार।
सरकार, गरीब का बिल्डोजर मत घर मत तोड़वाओ, गरीब पर अत्याचार मत करो, महंगाई मत बढ़ाओ, हिम्मत है तो जिन बेटियों को पहलवान ने सता उसका घर तोड़वाओ, जिन अफसरों ने माँ बेटी को जिंदा उत्तर प्रदेश में जलवा दिया उनका घर तोड़वाओ, जिन नेताओं ने बीजेपी के बेटियों के साथ अत्याचार करा, बलात्कार करा, उनको जेल भुजाओ, जिस मंत्री ने किसान पर जीत चलवाई उन पर बिल्डोजर जाओ, इसलिए पैर पकड़ो। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, आपके सहयोगी हैं छोटे भाई, आपने इनको कहा है, आपको मालूम है योगी जी का जो बुलडोजर सिस्टम है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार अगर बनेगी तब भी बुलडोजर चलता रहेगा। मैं बता रहा ना, अगर आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है पूरे देश में होगा तो समझ ले। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग कह रहे हैं, नीति आयोग भी तो नहीं कहा है, सीजेपी की रिपोर्ट भी कह रही है कितना भ्रष्टाचार हो रहा है देश में, इन्हीं की सीएजी रिपोर्ट कह रही है जो 200 करोड़ का रोड था वो 250 करोड़ पे लगा दिए, इन्हीं की सीएजी राजस्थान में देख रहे। ठीक है, जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ भाई को, बड़े भाई अपने, वो उत्तर प्रदेश जो हम जिसे आज उत्तम प्रदेश कहते हैं, पहले उसे लोग उघाई प्रदेश कहते थे, उठा लो प्रदेश कहते थे, कहीं से भी किसी को उठा लिया जाता था, कहीं से किसी का किडनैप हो लिया जाता था, लेकिन आज के डेट में वो उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। और एक इंपॉर्टेंट बात, उत्तर प्रदेश के अंदर अब किसी माफिया के घर से बैठ के स्कीम डिसाइड नहीं होता, प्लेस पार्क के तहत उद्यमियों के लिए स्कीम डिसाइड होता है कि आपके लिए अवसर खुले हैं, आइए और देश हित के लिए राजहित के लिए अग्रसर कीजिए उत्तर प्रदेश को। और एक इंपॉर्टेंट बात, बुलडोजर पर इतनी दर्द क्यों? अरे बुलडोजर चलेगा, जिसके हाथ में पत्थर और माफिया गिरी होगी उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई शक नहीं हमें। ठीक है, बुलडोजर चलेगा राहुल जी, और अखिलेश जी ने भी कहा कि बुलडोजर चलेगा, हालांकि उनका कहना था कि वो दूसरे तरीके से चलाएंगे। देखिए, बुलडोजर पूरी तरह से असंवैधानिक है, कभी भी न्याय का माध्यम नहीं, और जो आंकड़े लिए जा रहे हैं यहाँ पे, भाई एक चीज ये बताइए, प्रधानमंत्री गरीब किसान का पूरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का राशन कार्ड फ्री राशन में, उत्तर प्रदेश में खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है 15 करोड़ वो राशन ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी है, 50% आबादी अभी भी फ्री का राशन लेने के लिए बाध्य है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आए पाकिस्तान से कम है, नेपाल से कम है, तंजानिया से कम है, कौन सा उत्तम प्रदेश की बात कर रहे हैं? 6 साल में अगर उत्तर प्रदेश बदला है, ये हालत बनी हुई है। विदेशी पूंजी निवेश की बात कीजिए, उसमें अभी भी कर्नाटक नंबर 1 बना हुआ है। ये गुजरात मॉडल भी लाए थे जो धराशायी होगा, स्मार्ट सिटी आज तक नहीं बनी है, अब जो उत्तर प्रदेश लाए ना तो सोच ले कितने गरीब और मारे जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड सर। धन्यवाद। देखिए झांसा, पहले तो यहाँ उपस्थित सारे जनसमूह को, पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज उत्तर प्रदेश में 93 लाख करोड़ से ज्यादा का विदेशी निवेश आया है, उत्तर प्रदेश देश का दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में 10,000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है, 200 से ज्यादा माफियाओं का एनकाउंटर हुआ है। और एक और बात, अरे जिनको पाला था अतीक अहमद ने, और जिन्होंने अतीक अहमद को पाला था उनसे कब्जाई हुई जमीन को वापस लेके प्रधानमंत्री आवास योजना में वहां पर मकान दिए गए। ये है उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी जेल में है या फिर जेल से बाहर है। ये कह रहे हैं महावीर का नाम लिया इन्होंने, तो मैं कह रहा हूँ बजरंग बली का आशीर्वाद कर्नाटक के समय से बदल गया है, वो अब कांग्रेस और टीम इंडिया के साथ चला गया है। अब आप लोग दूर से प्रणाम करते रहिए महावीर जी, महावीर जी। देखिए, ये महावीर का नाम बोल रहे हैं कि कर्नाटक में है, कर्नाटक में सत्ता में आते क्या किया, गौ हत्या के ऊपर से प्रतिबंध हटाया गया है, साथ ही साथ वहां पर हिजाब से प्रतिबंध हटा दिया गया है। ये है इनकी असलियत, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। आज उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश का सबसे ज्यादा फेवरेट निवेश का राज्य हो गया है। डंका उत्तर से लेकर दक्षिण तक के योगी जी का डंका बजने लगा है, और रजनीकांत जी ने जो पैर छुआ वो एक तरीके से इशारा भी था क्या? देखिए, ये एक इशारा है जो सिंबल देता है कि योगी जी मोदी जी के बाद अगली चॉइस पूरे देश की बन चुके हैं। कैसे बन चुके हैं? अपराध मुक्त प्रदेश, बिजनेस वाला प्रदेश, और तीसरी सबसे बड़ी बात, लगभग 10% लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। कैसे बाहर आए हैं? उनके स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हुआ, उनके जीवन स्तर के जो तमाम मानक थे वो सब अपग्रेड हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उत्तर प्रदेश की जनता अब योगी शासन में खुश है, उनका अपग्रेड हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है।
अच्छी खबर है जनता के लिए। कह रहे हैं कि भाई गरीबी रेखा से लोग बाहर आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग जो है कि फ्री का राशन ले रहे हैं, तो आप गरीबी रेखा से बाहर भी आ रहे हैं और गरीबी का राशन ले रहे हैं। उसमें सिर्फ एक खाने की बात नहीं है, उसमें स्वास्थ्य की बात है, उसमें शिक्षा की राशन, उसमें शिक्षा की बात है, उसमें सैनिटेशन की बात है, उसमें आवास की बात है, घर के एक व्यक्ति का गरीब होने के दो कारण है। मुझे लग रहा है यहीं पर झगड़ा करके चुनाव का फैसला करवा लेंगे ये नेता, यहीं तय करवा लेंगे कि एनडीए की इंडिया। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, फ्री का राशन की बात कर रहे हैं, इनकी जब सरकार थी दो करोड़ फर्जी राशन कार्ड चलते थे, दो करोड़ फर्जी पेंशन वृद्धों के नाम पर चलती थी। ये कांग्रेस पार्टी है जो भ्रष्टाचार की बात करती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, आजकल समाजवादी पार्टी के नेताओं का स्वागत हो रहा है जूतों से, ये इनको पत समझना पड़ेगा। आपके नेता का स्वागत जूतों से आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये भाई साहब कौन कह रहे थे रजनीकांत ने पैर छुए थे, कौन कह रहे थे? अरे रजनीकांत ने पैर छुए योगी जी के, ये हमारे संस्कार दिखाते हैं, रजनीकांत कितने संस्कारी हैं। हाँ ये भी बात है। देखो ऐसा है, आजकल जो है ना देश में मोदी जी को कोई सुनना नहीं चाहता। कर्नाटक में इतना जोर लगा लिया, हिमाचल में जोर लगा लिया, और हार गए तो विदेश जाके अपना रेल हुआ कर रहे हैं। तो मूड बदल गया है क्या देश का? देश का मूड बदल गया? देश का मूड नहीं बदला है, हिंदू जाग चुका है। टुकड़े टुकड़े गैंग और जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक है उनका मन शुरू से बदला हुआ है, लेकिन जो राष्ट्रवादी लोग है वो भारत राष्ट्र के साथ है। मोदी को हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। ठीक है भाई साहब, देखिए उत्तर प्रदेश की उत्तम बातें हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की, हम जौनपुर के रहने वाले हैं, हमारे जौनपुर में मेडिकल कॉलेज माननीय मुलायम सिंह यादव द्वारा बनाया गया, वहां पे जाकर योगी आदित्यनाथ ने फीता काटा, जो भी आज कंकाल के रूप से खड़ा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि वहां आपने कितने लोगों को नौकरियां दिया जो आज खंडहर के रूप में मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। और रही बात, आप नेता तो नहीं है, है कि नहीं है पहले बता दीजिए, पहले बता दीजिए। सुनिए ना, मैं पूछ रहा हूं, उसके पीछे है आपके बोलने का अंदाज नेताओं वाला है। तो भाई साहब मैं चाहता हूं कि जो जनता है वो ज्यादा से ज्यादा बोले, बाकी नेताओं को तो यहां मैं बुला ही लेता हूं। क्या जी? हाँ मैं कांग्रेस के इनसे नेता जी से पूछना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है और गरीबी रेखा से अभी भी नीचे है। मैं इनको ये बताना चाहूंगा, जो राशन मिल रहा है सिर्फ पत्थर फेंकने वालों को फ्री राशन मिल रहा है, क्योंकि जब तक उन्हें फ्री राशन नहीं मिलेगा जब तक वो पत्थर नहीं फेंके। जब तक फ्री राशन नहीं मिलेगा तब तक, एक सेकंड विद्या जी मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ, बार बार हमारे काबिल बड़े भाई बोल रहे हैं फ्री राशन की बात, सर थोड़ी तनिक शर्म कीजिए आप। जब देश पूरा कोरोना से महामारी से जूझ रहा था तो ये राशन मजबूर नहीं मजबूत करने के लिए दिया गया, ताकि देश का श्रमिक मजबूत होकर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए। और दूसरी बात, मैं बीच में चिल्लाया नहीं था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज सुरक्षा की गारंटी में नंबर वन उत्तर प्रदेश, आज पर्यटक की गारंटी में नंबर वन उत्तर प्रदेश, और महिलाओं सशक्तिकरण में नंबर वन है उत्तर प्रदेश, जिसमें कोई शक नहीं। मनीष जी अपनी जगह पर आइए, मैं आऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आप लोगों को अगर रोजगार देते, महंगाई को नियंत्रण में रखते, ये फ्री राशन की कहानी नहीं खेलनी पड़ती। तो देश में पहली बार फ्री राशन बट रहा है, देखिए उस समय कोरोना काल में, और अगर कोई भूखे पेट सो जाए उससे बेहतर है कि राशन पहुंचे उसके घर पे। अरे भाई देखिए, अगर कोई स्किल नहीं है, और ये भी संभव नहीं है कि 150 करोड़ जनता को रोजगार अगर मिल जाए, ये अगर संभव नहीं है, तो राशन लोगों के घर में पहुंच रहा है तो क्या गलत हो रहा है? भाई साहब, हाँ एक मिनट जल्दी से। देखिए ये कह रहे थे फ्री राशन, और ये कहते आपको मिल रहा है क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इस देश की 140 करोड़ जनसंख्या को कोरोना का टीका फ्री में लगा, क्या राहुल लाल को लगा था? अगर लगा था तो क्या गरीब थे क्या? सरकारी योजनाओं का अगर इनको फायदा मिल रहा है, गरीब है क्या? शर्मा नहीं चाहिए। ICAM की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश इस समय में वहाँ पर 2% की बेरोजगारी दर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में कानून व्यवस्था वहाँ पर इतनी मजबूत हुई है। ठीक है।
सूर्य जी अपनी जगह पर। मैं रोजगार पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते थे कि नौकरी कितनी थी अब वो रोजगार पे आ गए, दरअसल जब देश में निवेश हो रहा है, प्रदेश में निवेश हो रहा है तो क्या हो रहा है, नई फैक्ट्री नए सेटअप लगेंगे तो लोगों को न केवल रोजगार मिल रहा है बल्कि उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है। झा साहब आपसे एक प्रार्थना, भाई सारे सुनो जरा आराम से। झा साहब एक आपसे प्रार्थना, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, जब कोई आदमी सरकार के खिलाफ बोलता है तो आप माइक हटा के कहते हो आप नेता है, और 15 आदमी जो लगातार आपका शो चल रहा है सुबह से शाम तक बोलते हैं। मैं एक बात आपको कहता हूँ जगदीश जी, देखिए मैं इनमें से आज मुझे नहीं पता, मैं तो जानता, मैं इनको पहली बार देखा है, मैं इधर आया तो पहली बार देखा। मैं तो कोशिश करता हूँ जनता बोले, लेकिन जनता के बीच से जब कोई नेता निकलकर बोलने लगता है ना तो मैं इनको इसलिए रोकता हूँ क्योंकि नेताओं को मैं आप लोगों को बुलाता हूँ तो सब नेता हो जाएंगे तो जनता की कौन सुनेगा। जिस दिन जनता की बात होगी ना, अब मुद्दे पर आइए, जिस दिन जनता की बात होगी सबको बता देश के क्या हालात। आप कीजिए ना जनता की बात, कौन मना कर रहा है, आप कीजिए ना जनता की। ये 15 आदमी जी, मैं कह रहा हूँ जनता की बात, यही देश के सबसे बड़े दुश्मन है। हाँ देश लाल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अरे लोग रो रहे घोटाले खोल रहे हैं, सीएल जी ने घोटाले खोल दिए, देश की हालत बहुत अच्छी है। अगर ऐसा देश बनाएंगे तो देश की जनता ही तय करेगी, हमें इनसे कोई नाराजगी नहीं। ये देश बेच रहे थे, देश बेच रहे हैं, इस हमें कोई लड़ाई नहीं, पर देश की जनता की बात राहुल गांधी करेगा, देश की जनता की बात प्रियंका गांधी करेगी, देश की जनता की बात कांग्रेस करेगी। ये लोग देश की जनता के नहीं है, ये हिंदू मुसलमान और राम मंदिर की बात करेंगे और गुमराह करेंगे बस। उत्तर प्रदेश में इन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में ये बताते हैं कि 5 साल योगी सरकार पहले हो गई, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, एक पावर प्लांट लगाने का काम किया हो हमारी सरकार से, हमने पावर प्लांट लगाने का काम किया, हमने 322 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे आगरा से लेकर लखनऊ बनाने का काम। एक ही बात कहता हूँ दुबे जी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ, इतने सारे काम करके भी अगर 2 बार आप लोग सत्ता से दूर रह गए तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, अरे कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। प्रियंका जी, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, इतना सारा काम अगर उत्तर प्रदेश में सपा ने किया, देश में कांग्रेस ने किया। एक सेकंड दुबे जी, प्लीज आप अपनी जगह, हमें साफ अपनी जगह पर आइए, फिर मैं आऊंगा दिल्ली में क्यों, ये भाई नहीं है, मनीष भाई अपनी जगह पर। तो क्या ऐसी मजबूरी जनता की है कि आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक योगी जी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है? देखिए मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मुझे इतना पता है, मैं गरीबों के बीच उठती बैठती हूँ, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और यहाँ पे पब्लिक में, यहाँ पे देखो 20% लोग बेरोजगार होंगे जो यहाँ पे खड़े हैं, इनमें से 20% लोग बेरोजगार होंगे जो यहाँ पे खड़े हैं हमारे पास। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में ये बेरोजगारी नई आई है? हाँ जी बिल्कुल नहीं मतलब 2014 के बाद ये बेरोजगार होते चले गए, एक करके हाँ प्रियंका आप कंप्लीट कीजिए कोई बात नहीं। देखिए मैं दिन रात लोगों की सेवा करती हूँ, गरीबों के साथ उठना बैठना है हमें पता है, गरीबों के बीच हम बैठते हैं, आप लोग घर में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, आपको पता क्या है, आप जाइए गरीबों के झोपड़ियों में जाइए, रिक्शा चला रहे उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए विद्या जी 20 सेकंड दीजिएगा, एक तो समाजवादी पार्टी के अभी नेताजी बोल रहे थे कि हमारा काम बोलता, मैं गिनाता हूँ इनके काम, एक डिस्ट्रिक्ट एक माफिया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, पूरे के पूरे इन्होंने पाले और योगी जी ने उनके एनकाउंटर किए। मेरी बहन बोल रही थी कि भैया देखिए ये बौखला रहे हैं, अब ये बौखला रहे हैं, राम भक्तों के हत्यार है, खड़े होकर राम राम चिल्लाते हैं, ये बलात्कारियों की पार्टी, ये आतंकियों की पार्टी, आतंकवादियों के साथ क्या कहना, मैं पहले बताऊं रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से। ए हो गया दुबे जी, प्लीज शांति शांति दुबे जी,
आराम से इतना गुस्सा मत क्या कीजिए, वैसी गर्मी है और गर्मी बढ़ जाती है सेट पर। हाँ बोलिए क्या कहना। देखिए मैं कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमारे सुनिए एक सेकंड, झगड़ा नहीं प्लीज नहीं, ऐसे नहीं। दुबे जी प्लीज, सूर्य मैथिल जी नहीं, ये ठीक बात नहीं है, गलत है ये गलत है, सूर्य मैथिल जी नहीं गलत है, आप लोग अपनी अपनी जगह पर रहिए। सूर्य मैथिल जी प्लीज, अब मैं आ रहा हूँ एक सेकंड। हाँ देखिए ये बार बार कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी। मैं जानना चाहता हूँ हमारी आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सब बड़े बहुत पढ़े लिखे इंसान व्यक्ति थे, राजीव अपने राहुल गांधी जी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हमारी प्रियंका गांधी जी भी जयसंत मैरी से पढ़ी हैं। मुझे ये गांधी परिवार से जानना चाहता हूँ, इन्होंने अपने पत्रों को ISPS क्यों नहीं बनाया। सबसे पहले भाई माहौल को शांत कर दे, भारत माता की जय बोल दीजिए, भारत माता की जी। धन्यवाद। राजनीति आलोचना होनी चाहिए, नीतियों पे बात होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष पे सवाल तब खड़ा होता है जब बात देश की आंतरिक सुरक्षा से होती है, या देश की आलोचना कर बैठते हैं मोदी की आलोचना। बहुत बहुत शुक्रिया।